नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के पंडित नगीना महाविद्यालय जो गहरा लाठघाट के प्रांगण में शनिवार को 402 छात्र छात्राओं को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने स्मार्टफोन वितरित किया। शनिवार की सुबह से पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय जो गहरा के प्रांगण में भव्य रूप से स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया। वही शाम 3 बजे सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने विद्यालय पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। इस दौरान स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। वही अतिथियों ने छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण में स्मार्टफोन की उपयोगिता के बारे में बताया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने नई पीढ़ी को तकनीकी से जोड़ने पर बल दिया। कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा नौजवानों को स्मार्टफोन देकर की नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान विद्यालय के व्यवस्थापक मनीष मिश्रा और पिंटू मिश्रा ने सांसद का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलका मिश्रा व प्रमोद राय ने संचालन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी, पंडित नगीना फार्मेसी कॉलेज के प्रबंधक अनिल पांडेय, महाविद्यालय के प्राचार्य विभूति नारायण पांडेय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, ग्राम प्रधान अनिल मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्रा मौजूद रहे। आज ये बच्चों को स्मार्टफोन वितरण हो रहा है जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये योजना चलाई गई और हमारे मनीष मिश्रा जी का ये विद्यालय, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हमारी बहुत सारी बहनें टॉप की हैं, उनको भी आज यहाँ पे स्मार्टफोन दिया गया और ये कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच है मुख्यमंत्री जी की कि आज की जो दुनिया है उससे जुड़ने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। पूरी दुनिया का जो ज्ञान है वो आपको मिल सकता है स्मार्टफोन में। आप कुछ पढ़ाई करना चाहें वो भी मिल सकता है, दुनिया के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहें वो भी मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से कनेक्ट होने का और बच्चों में ज्ञान करने के लिए ये मुख्यमंत्री जी की योजना है और उसी के तहत आज हम लोग बच्चों के बीच में आए हैं और उनको वितरण कर रहे हैं। रेजिमेंट है सदन में, चूंकि काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी। अहिर रेजिमेंट की मांग लंबे समय से चल रही थी और ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत भी है और राष्ट्रीय ज़रूरत भी है कि सेना में जब बाकी जाति क्षेत्र धर्म और संप्रदाय के साथ साथ राज्य के नाम पे अगर गठन हुआ है तो अहिर समाज के लोगों का बड़ा योगदान रहा है हर लड़ाई में। इसके अलावा आज सेना में भी भारतीय सेना की 18% जो सैनिक हैं वो अहिर समाज से हैं, तो उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, इसलिए आवाज उठाया मैंने उसको संसद में। जैसे एक चर्चा है, ऐसा क्यों होगा? अहिर रेजिमेंट की बात, अहिर रेजिमेंट आजादी हो जाएगा, ये तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि जो आवाज सड़क पे उठ रही है उसको संसद में आप उठाएं। और मेरे आजमगढ़ के जनता की, यहाँ किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी धर्म की, किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है और उसे अगर उठाना है तो मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे उठाऊं और मैं उठा रहा हूँ।